एक हमारे व्यूअर्स ने लाइन क्लियर देने के शर्तों के बारे में वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किए थे, तो आज की वीडियो में हम लोग लाइन क्लियर देने के शर्तों के बारे में जानेंगे, जिसमें ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास तीनों तरह के स्टेशनों पर लाइन क्लियर देने के क्या क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले बात करेंगे ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के शर्तों के बारे में। तो ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए चार शर्तें हैं, अर्थात चारों शर्तों को पूरा करने के बाद ही किसी ट्रेन को लाइन क्लियर दिया जाएगा, जिसमें से प्रथम है ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी की पूरी आ गई हो, अर्थात जो ट्रेन इस पिछले स्टेशन से इस स्टेशन को चली थी वह ट्रेन इस स्टेशन पर पूरी तरह आ गई हो। ट्रेन पूरी तरह आ गई हो इसका मतलब है कि ट्रेन इस स्टेशन के जिस लाइन में रिसीव करना है उस लाइन में फॉलिंग मार्क क्लियर कर खड़ी हो गई हो। अगर ट्रेन आते समय पॉइंट पर खड़ी हो गई हो और फॉलिंग मार्क जाम किए हुए है तो इसका मतलब है कि ट्रेन पूरी तरह नहीं आई है और ऐसी स्थिति में हम दूसरी ट्रेन को लाइन क्लियर नहीं देंगे। लाइन क्लियर देने के सेकंड कंडीशन है ठीक पहले वाली गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नल्स को फिर से ऑन कर दिया गया हो। इसका मतलब है कि ठीक पहले वाला ट्रेन जाने से पहले जितने भी सिग्नल्स ग्रीन या येलो जल रहे थे तो ट्रेन के जाने के बाद इन्हें पुनः लाल कर दिया गया हो। आजकल तो लगभग सभी पैनल में ट्रेन के जाने के बाद सभी सिग्नल अपने आप ऑन अर्थात रेड एस्पेक्ट में बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से कोई सिग्नल ट्रेन जाने के बाद भी ऑफ से ऑन न हो तो पहले सिग्नल को ऑन पोजीशन में करेंगे, उसके बाद ही किसी ट्रेन को लाइन क्लियर देंगे। ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने का थर्ड कंडीशन है जिस लाइन पर ट्रेन को ली जानी है वह स्टार्टर सिग्नल तक साफ हो, अर्थात जिस लाइन पर ट्रेन को रिसीव करना है वह लाइन पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर से लेकर इस स्टेशन के रिसीव करने वाले लाइन के स्टार्टर सिग्नल तक लाइन साफ होना चाहिए। अगर स्टार्टर सिग्नल से पहले लाइन जाम हो या ट्रैक टूटा हुआ हो तो हम पिछले स्टेशन को दूसरे ट्रेन का लाइन क्लियर नहीं देंगे। ए क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के फोर्थ कंडीशन है जिस लाइन पर ट्रेन को रिसीव करना है उस लाइन के सभी पॉइंट ठीक ठीक सेट कर दिए गए हो और सभी फेसिंग पॉइंट को लॉक कर दिया गया हो, अर्थात जिस लाइन पर ट्रेन को रिसीव करना है उस लाइन में अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट के सेटिंग का इंडिकेशन पैनल पर जलते रहना चाहिए और साथ ही साथ अगर कोई फेसिंग पॉइंट है तो वह भी लॉक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर जिस लाइन में किसी ट्रेन को रिसीव करना है और उस लाइन में कोई पॉइंट फ्लैशिंग कर रहा है तो हम लाइन क्लियर किसी ट्रेन को नहीं देंगे। ये सब तो हो गया ए क्लास स्टेशन की, तो अब बात करेंगे बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के शर्तों के बारे में। तो बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के तीन शर्त हैं। फर्स्ट है ठीक पहले आने वाली ट्रेन पूरी की पूरी आ गई हो। जैसे कि ये शर्त ए क्लास स्टेशन में भी था वैसे ही यह शर्त बी क्लास स्टेशन में भी लागू होगा। सेकंड है ठीक पहले वाली गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नल्स को फिर से ऑन कर दिया गया हो। यह भी शर्त ए क्लास स्टेशन में भी लागू था और यहाँ बी क्लास स्टेशन में भी यह लाइन क्लियर देने के शर्त लागू होगा। तीसरा कंडीशन है बी क्लास स्टेशन में कि लाइन साफ होने की, तो बी क्लास स्टेशन में डबल लाइन, सिंगल लाइन, टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में अलग अलग लाइन साफ होने की स्थिति है। तो हम पहले बात करेंगे बी क्लास के डबल लाइन में लाइन साफ होने की। तो बी क्लास के डबल लाइन में टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में लाइन होम सिग्नल तक साफ होना चाहिए, अर्थात पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर से लेकर इस स्टेशन के होम सिग्नल तक लाइन साफ होना चाहिए, तभी हम दूसरे ट्रेन का लाइन क्लियर डबल लाइन के
टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में देंगे। इसी तरह वी क्लास के डबल लाइन के मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में लाइन बाहतम फेसिंग पॉइंट तक या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड यानी BSLB तक साफ होना चाहिए। यानी बी क्लास के डबल लाइन के मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में किसी ट्रेन का लाइन क्लियर तभी देंगे जब लाइन पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर से लेकर इस स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड यानी BSLB तक साफ हो। अगर BSLB बोर्ड नहीं हो तो इस बाहतम फेसिंग पॉइंट तक लाइन साफ होना चाहिए। अब बात करेंगे बी क्लास स्टेशन के लाइन क्लियर देने के तीसरे शर्तों को सिंगल लाइन वाले सेक्शन के टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में। तो लाइन गाड़ी आने की दिशा में पड़ने वाला SLB यानी सेंटिंग लिमिट बोर्ड तक या विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर सिग्नल दोनों में से जो भी लगा हो तक लाइन साफ होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि बी क्लास के सिंगल लाइन के टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में लाइन पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर से लेकर इस स्टेशन के इस SLB या इस विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर तक लाइन साफ होना चाहिए, तभी किसी दूसरी ट्रेन का लाइन क्लियर दिया जा सकता है। अगर SLB या एडवांस स्टार्टर न हो तो लाइन इस होम सिग्नल तक साफ होना चाहिए। फिर भी अगर न तो SLB हो न एडवांस स्टार्टर हो और न ही होम सिग्नल हो तो लाइन इस बाहतम फेसिंग पॉइंट तक साफ होना चाहिए। अर्थात इस पिछले स्टेशन के इस एडवांस स्टार्टर सिग्नल से लेकर इस स्टेशन के SLB या एडवांस स्टार्टर या होम सिग्नल या बाहतम फेसिंग पॉइंट इनमें से जो भी हो वहां तक लाइन साफ होना चाहिए, तभी बी क्लास के सिंगल लाइन के टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में किसी ट्रेन का लाइन क्लियर दिया जाएगा। अब बात करेंगे बी क्लास स्टेशन के लाइन क्लियर देने के तीसरे शर्तों को सिंगल लाइन वाले सेक्शन के मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सेक्शन में। तो लाइन गाड़ी आने की दिशा में लगे हुए SLB यानी सेंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर दोनों में से जो भी लगा हो वहां तक, या अगर SLB या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा है तो बाहतम फेसिंग पॉइंट तक लाइन साफ होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि बी क्लास स्टेशन के सिंगल लाइन के मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में लाइन इस पिछले स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से लेकर इस स्टेशन के SLB या एडवांस स्टार्टर सिग्नल या बाहतम फेसिंग पॉइंट जो भी हो वहां तक लाइन साफ होना चाहिए, तभी किसी ट्रेन का लाइन क्लियर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में होम सिग्नल तक लाइन साफ को होने को लिया गया है, लेकिन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में होम सिग्नल तक लाइन साफ होने को नहीं लिया गया है, नहीं शामिल किया गया होम सिग्नल को, क्योंकि टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में आउटर सिग्नल भी हो सकता है, जबकि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में आउटर सिग्नल नहीं होता है। लेकिन जब टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में आउटर सिग्नल होता है तो होम सिग्नल तक ब्लॉक ओवरलैप पूरा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में होम सिग्नल तक लाइन साफ होने पर लाइन क्लियर पिछला स्टेशन को दे दिया जाता है। और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में आउटर सिग्नल तो होता ही नहीं है, अतः होम सिग्नल तक ब्लॉक ओवरलैप पूरा नहीं होता है। यही कारण है कि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में होम सिग्नल का प्रयोग लाइन साफ होने तक शामिल नहीं किया गया है। अब बात करेंगे सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के शर्तों के बारे में। तो सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के केवल दो ही शर्त हैं। फर्स्ट, ठीक पहले आने वाली गाड़ी होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे चली गई हो और वह चलती ही जा रही हो। अर्थात जो गाड़ी इस पिछला स्टेशन से चली है वह गाड़ी इस सी क्लास स्टेशन से इस होम सिग्नल से 400 मीटर की दूरी आगे चली गई हो और साथ ही साथ यह ट्रेन आगे चलता ही जा रहा हो, न कि इस होम सिग्नल से 400 मीटर पार करके आगे रुक गया हो। अगर रुक गया हो तो हम सी क्लास स्टेशन में किसी ट्रेन का लाइन क्लियर नहीं देंगे।
सेकंड शर्त है उस गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नलों को फिर से ऑन कर दिया गया हो, अर्थात ट्रेन पास करने के बाद सभी सिग्नल को ग्रीन या येलो से लाल कर दिया गया हो। अब तो लगभग सभी पैनल पर गाड़ी पास करने के बाद सिग्नल अपने आप ऑन हो जाता है, फिर भी इसे सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी सिग्नल फिर से ऑन पोजीशन में हो गया हो, तभी सी क्लास स्टेशन पर किसी ट्रेन का लाइन क्लियर दिया जाएगा। रेलवे संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। चलिए।